Hello friends, this is Jeet Datta and you are watching my YouTube channel Jeet and Shweta Vlogs. तो जैसे कि दोस्तों अभी मैं हूँ गुवाहाटी के कामरूप कामारा कामाख्या मंदिर में. तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ पूरा गुवाहाटी का व्यू. एक्चुअली वो शहर यहाँ से दिखती है. आपको बोल देता हूँ तो हम लोग अभी एक शिलोंग ट्रिप में है. शिलोंग ट्रिप बहुत दिन पहले किए थे तो ये मेरा ब्लॉग है अभी शिलोंग टूर रिलेटेड. और ये मेरे शिलोंग टूर ब्लॉग का सेकंड पार्ट है. इसके बाद अभी क्या करेंगे हम लोग अभी है कामरूप कामाख्या मंदिर में. इसके बाद हम लोग जाएंगे एक और टूरिस्ट जगह मतलब टूरिस्ट प्लेस में तो जिसका नाम है वशिष्ठ मुनि के आश्रम. तो वहाँ पर जाने वाले हैं तो बने रहिए और देखते रहिए. तो दोस्तों अभी हम लोग वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आ गए हैं. तो हम लोग एक्चुअली कुछ टाइम बर्बाद नहीं किए तो एक दिन में ही दो तीन जगह पे हम लोग घूम रहे क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम लेके हम लोग गए नहीं थे उस टाइम पे. और इसके अलावा वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया था. तो मुझे जितना याद है हम लोग जब गए थे तो शिलोंग में कुछ इशू हो रहा था मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिसके लिए शिलोंग उस समय में स्ट्राइक में था. तो हम लोग के पास टाइम ही ज़्यादा नहीं था. तो हम लोगों ने क्या सोचा था कि पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं एक दिन में जो साइड में जो साइड सीन रहेगा. जैसे कामरूप कामाख्या मंदिर है एक और रहेगा एक कप का वशिष्ठ मुनि का आश्रम जहाँ पे अभी है हम लोग. और इसके अलावा यहाँ पे यहाँ से और एक जगह पे जाएंगे वो है बालाजी टेंपल. तो ये सब हम लोग एक दिन में कवर कर लेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे शिलोंग. तो देखते चलिए ऐसे तो हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ मैं बोल देता हूँ. तो पहले हम लोग यहाँ पे घूम लेते हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम. तो बहुत ही अंधेरा है वशिष्ठ मुनि के आश्रम मतलब मुझे मालूम है 8-9 साल पहले तो इतना ही अंधेरा था या फिर लाइट्स वगैरह इतना नहीं था और बहुत डरवाना था. अभी मालूम नहीं है क्या हो गया है कैसे वो सब मतलब कैसे बनाए ये लोग. तो जैसे भी था बहुत डरवाना था. बहुत बहुत डर लग रहा था वहाँ पर जाके मतलब हम लोग सोच रहे थे कहाँ पर आ गए यार. तो अच्छा लगा वैसे भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा. यहाँ पर एक छोटा सा फॉल्स भी है. तो दोस्तों ये रहा बालाजी टेम्पल. तो ये एक्चुअली जो टेम्पल है वो थोड़ा सा साउथ के जो मंदिर होता है ना साउथ इंडियन मंदिर है ना उसके स्टाइल में ये बनाए गए हैं. तो ये एक्चुअली मतलब यहाँ पे इसके अंदर जो है कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होता है बहुत कुछ है ऐसे. तो अंदर देखिए हम लोग का तो कैमराज अलाउड नहीं था उस टाइम पर तो हम लोग वीडियो कर नहीं पाए उस टाइम पर. কত চিন্তা করে দেখছে জয় দাঁড়া পুরোটা দেখিনি. তো আমরা নেক্সট ডে কি করেঙ্গে নেক্সট ডে আমরা যাঙ্গে শিলং এসে আমরা সোচেছে. लेकिन क्या हुआ नेक्स्ट डे हम लोगों का मतलब प्लान चेंज हो गया क्योंकि शिलोंग स्ट्राइक में चला गया. तो शिलोंग और असम दो अलग सा स्टेट है तो असम से जाना पड़ता है शिलोंग. तो हम लोग क्या किए हम लोग नेक्स्ट डे हम लोगों का बर्बाद हो गया ठीक है. और उसके बाद जो मतलब थर्ड डे होगा तो थर्ड डे में हम लोग क्या किए हम लोग शिलोंग की तरफ गए. लेकिन शिलोंग में हम लोग रुके नहीं. हम लोग शिलोंग में गए वहाँ पे जाने के टाइम पे एक जगह होता है एक जो जगह होता है साइट सीन तो वो साइट सीन किया. और शिलोंग जो सिटी है शिलोंग सिटी बस टच करके हम लोग फिर से वापस आ गए क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग का
फ्लाइट था। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं शिलोंग जाने के लिए मतलब क्या क्या है क्या नहीं है रास्ते में, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग शिलोंग के रास्ते में हैं। यहाँ पे हम लोग रुके थे दोस्तों एक जगह पे वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मुझे सही तरीके से याद नहीं कि क्या ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किए थे, लेकिन कुछ किया था ऐसे ब्रेकफास्ट, अच्छा ही था शायद, मुझे याद भी नहीं है। तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग एक एलिफेंट फॉल्स करके एक जगह है, एलिफेंट फॉल्स, तो उस एलिफेंट फॉल्स में हम लोग जाएंगे साइड से। दोस्तों एलिफेंट फॉल्स जाने के आगे एक लेक होता है, इस लेक का नाम मुझे सही तरीके से याद नहीं है, गूगल में सर्च करने से ज़रूर मिल जाएंगे। अच्छा दृश्य है, मतलब आपको लगेगा इतना अच्छा, मतलब नेचर इतना अच्छा दिखता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने रुके वहाँ पर फोटो वगैरह सब कुछ क्लिक किए, तो अच्छा मेमोरीज रहा हुआ, तो आप भी देख लीजिए। बहुत अच्छा दृश्य है। दोस्तों ये हम लोग पहुंच गए हैं एलिफेंट फॉल्स। तो एलिफेंट फॉल्स में क्या है मूल आपका, एलिफेंट फॉल्स में तीन फॉल्स है, एक होता है फर्स्ट फॉल्स, एक सेकेंड, एक थर्ड, ठीक है। तो नीचे उतरना पड़ता है फॉल्स को देखने के लिए, तो हम लोग भी उतरे और हम लोग गए थे करीब ये नवंबर के टाइम पे। तो रास्ते में तो बहुत गर्मी थी, मतलब गाड़ी में इतना सफोकेशन हो रहा था, आयुष उस टाइम पे बहुत छोटा था तो वो भी वॉमिटिंग कर दिया था उस टाइम पे, लेकिन एलिफेंट फॉल्स में मानिए तो बहुत ही ठंडा है, बहुत मतलब चिल था वो वेदर वहाँ पर।
কাউসের মুখে ঠান্ডা লাগছে ফামেলা কাউসের মুখে ক্রিম মাখে না চাচা এই রোদে দাঁড়াও রোদে দাঁড়াও এদিকে এসো না এবার সবাই মিলে দাঁড়ো না মা ওমা এদিকটা পেছন করে সবাই মিলে দাঁড়ো শিলং যে হয় শিলং সবসে জাদা বারিশ হোনে বালা জগা হ্যাঁ মতলব ইয়ে ওয়ার্ল্ড কা সবসে হোনে জাদা বারিশ হোনে বালা জগা তো যহাঁ পে সবসে জাদা বারিশ হতা হ্যায় লেকিন ইয়ে পহলে থা আবি থোড়া সা চেঞ্জ হো গয়া ট্রেন মে আবি ইয়ে মৌসিন রাম করকে এক জগা হ্যায় শিলং কে হি অন্দর তো ওহাঁ পে জাদা বারিশ হতা হ্যায় तो हम लोगों का सभी प्लान था हम लोग सोचे थे कि दो दिन शिलोंग के लिए रखे थे तो शिलोंग में एक दिन जाएंगे साइट सीन करेंगे नेक्स्ट डे मौर्सिनम जाएंगे मौर्सिनम घूर के आ जाएंगे घूम के आ जाएंगे लेकिन ऐसे हुआ नहीं क्योंकि चौपट हो गया प्लान पूरा स्ट्राइक की वजह से तो मौर्सिनम हम लोग जा नहीं पाए और रास्ते में भी बहुत सारे वीडियोज़ थे ऐसे लेकिन वो वीडियोज़ मेरे पास कहाँ से गुम हो गया मतलब हम लोग गए थे एक पॉइंट में गए थे जहाँ पर मतलब वेदर बोलिएगा कम्प्लीटली अलग है मतलब आपको समझा नहीं पा रही यहाँ पर आप धूप देख पा रहे हो लेकिन जैसे हम लोग ऊपर चलते हैं ऊपर जाते हैं तो पूरे एकदम क्या बोले क्लाउडी हो गया वेदर ही डिफरेंट हो गया क्योंकि इतना बारिश होता है मतलब पूरे साल में मतलब वो बारिश का सीज़न होता है वो तो देखिए दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं शिलोंग में ये आपका शिलोंग सिटी है तो शिलोंग सिटी हम लोग घूमेंगे थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो घूमने के बाद फिर से हम लोग रिटर्न चले जाएंगे शाम के अंदर मतलब शाम जाते जाते रात ही हो जाएंगे हम लोग बैक करेंगे हम लोग वहाँ पर रुकेंगे नहीं वापस आने वाले हम लोग का फ्लाइट था गुवाहाटी एयरपोर्ट से तो दोस्तों फाइनली हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं तो आयुष बहुत छोटा था वो मज़ा कर रहा है हम लोग भी घर आ गए घर आने का तो अच्छा ही लगता है थोड़ा सा घर कहाँ पे कहाँ दूसरा अगर घर आते हैं तो अच्छा लगता है लेकिन मन में थोड़ा सा दुख भी था कि फिर से चलो एक रूटीन में वापस आ गया चलिए जैसे भी है ये टूर हम लोग के लिए बहुत अच्छा टूर था और मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि ये एक मतलब एक टाइप का मेरा हनीमून टूर रहा शिलोंग गया लेकिन शिलोंग में रुक नहीं पाए मौसिनम जाने का मुझे बहुत मन था क्योंकि बारिश मुझे बहुत पसंद है मैं बहुत पसंद करता हूँ बारिश और ये था मेरा शिलोंग का ट्रिप अभी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है नेक्स्ट मेरा जो ट्रेवल ब्लॉग आने वाला है वो रहेगा मेरा का क्या रहेगा शिमला का वीडियो मैं डालने वाला हूँ शिमला का एक्सपीरियंस डालने वाला हूँ तो तब तक दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए मेरे वीडियोज़ को देखिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों थैंक यू दोस्तों